दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में ऑटोमोबाइल आईटीआई एमएमबी ट्रेड के ईएफआई सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर भी बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और ऑटोमोबाइल ट्रेड से रिलेटेड वीडियो देखने के इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर दें। क्वेश्चन नंबर वन, प्रेशर रेगुलेटर का कार्य है, ए ऑप्शन है फ्यूल रेल में प्रेशर को रेगुलेट करना, बी है इंजेक्टर में फ्यूल के प्रेशर को रेगुलेट करना, सी ऑप्शन है फ्यूल पंप में फ्यूल का प्रेशर बढ़ाना, और डी ऑप्शन है ए वो वी दोनों। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ए वो वी दोनों। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर प्रणाली वो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन में कौन कौन सी समानताएं हैं। क ऑप्शन है सही अनुपात का पेट्रोल हवा मिक्सचर देना, ख ऑप्शन है दोनों ही इनटेक हवा आयतन मापते हैं, ग ऑप्शन है दोनों सही हैं, और घ ऑप्शन है दोनों नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर है ग, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैकोमीटर का कार्य है, ए ऑप्शन है इंजन की स्पीड मापना, बी इंजन का लोड मापना, सी इंजन में जाने वाले फ्यूल की मात्रा मापना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों टैकोमीटर का कार्य इंजन की स्पीड मापना, तो इसका राइट आंसर है ए इंजन की स्पीड मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन में प्रवेश करने वाली एयर का आयतन किस सेंसर द्वारा मापा जाता है। ए ऑप्शन है एयर वोर्टेक्स सेंसर, बी ऑप्शन है फ्यूल सिस्टम सेंसर, सी थ्रोटल पोजीशन सेंसर, और डी ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट सेंसर। तो इसका राइट आंसर है ए एयर वोर्टेक्स सेंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन सी दो हवा पेट्रोल अनुपात करेक्शन ऑक्सिलरी डिवाइसेस होती हैं। क ऑप्शन है कोल्ड स्टार्टर इंजेक्टर, ख ऑप्शन है एयर वाल्व, ग ऑप्शन है दोनों नहीं, और घ ऑप्शन है को बो खो सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है घो को बो खो सही हैं, यानी कि क ऑप्शन है कोल्ड स्टार्टर इंजेक्टर और ख ऑप्शन है एयर वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटेक एयर तापमान सेंसर कहाँ लगा होता है। ए ऑप्शन है इनटेक मैनिफोल्ड में, बी ऑप्शन है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर, और सी ऑप्शन है एग्जॉस्ट वाल्व में, डी ऑप्शन है साइलेंसर में। तो इनटेक एयर तापमान सेंसर इनटेक मैनिफोल्ड में लगा होता है, तो इसका राइट आंसर है ए इनटेक मैनिफोल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपीएफआई की कौन कौन सी किस्में होती हैं। क ऑप्शन है मैनिफोल्ड प्रेशर कंट्रोल टाइप, ख ऑप्शन है एयर फ्लो कंट्रोल टाइप, ग ऑप्शन है कबो खो सही हैं, और ग ऑप्शन है दोनों गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग, को बो खो सही हैं। तो क ऑप्शन है मैनिफोल्ड प्रेशर कंट्रोल टाइप, और ख ऑप्शन है एयर फ्लो कंट्रोल टाइप। अगला क्वेश्चन है, इंजन में आने वाली एयर के तापमान को मापने के लिए कौन सा सेंसर प्रयुक्त करते हैं। ए ऑप्शन है इनटेक एयर तापमान सेंसर, बी ऑप्शन है मास एयर फ्लो सेंसर, सी है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, और डी ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट सेंसर। तो इसका राइट आंसर है ए इनटेक एयर तापमान सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल पाइपलाइन में लगभग कितने किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर दबाव होता है। को ऑप्शन है 3, ख ऑप्शन है 2.5, ग ऑप्शन है 2, और घ ऑप्शन है 1। तो इसका राइट आंसर है क, 3 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड इंजेक्टर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है सर्दियों में, बी ऑप्शन है गर्मियों में, सी है बरसात में, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कोल्ड इंजेक्टर सिस्टम का यूज़ सर्दियों में किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए सर्दियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल फिल्टर का पल्स रेटिंग डैम्पर कितने किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर फ्यूल दबाव बनाए रखता है। को ऑप्शन है 2.55 या
2.9, ख ऑप्शन है 3 या 3.5 और ग ऑप्शन है 4.0 या 4.2 और ग ऑप्शन है दबाव नहीं रोकता। तो इसका राइट आंसर है क, 2.55 या 2.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैप सेंसर डैश की आपूर्ति की माप है। ए ऑप्शन है बहुतायत में वायुमंडलीय दाब, बी ऑप्शन है बहुतायत में निरपेक्ष दाब, सी है बहुतायत में तापमान और डी ऑप्शन है बहुतायत में वैक्यूम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, बहुतायत में निरपेक्ष दाब। अगला क्वेश्चन है, MPFI का विस्तृत रूप है। ए ऑप्शन है मल्टी पोस्ट फ्यूल इंजेक्शन, बी है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, सी ऑप्शन है मल्टी पेट्रोल फ्यूल इंजेक्शन और डी ऑप्शन है मल्टी प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन। तो इसका राइट आंसर है बी, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विधि में इंटेक वाल्व खोलने के कुछ अंश पहले अलग अलग इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करे उसे क्या कहते हैं। को ऑप्शन है साइमल्टेनियस इंजेक्शन, ख ऑप्शन है सिक्वेंशनल इंजेक्शन, ग ऑप्शन है दोनों सही और ग ऑप्शन है दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ख, सिक्वेंशनल इंजेक्शन। लास्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में सभी इंजेक्टर प्रति क्रैंक चक्कर इंजेक्ट होने को क्या कहते हैं। को ऑप्शन है सिक्वेंशनल फायर, ख ऑप्शन है इंटरमिटेंट फायर और ग ऑप्शन है साइमल्टेनियस डबल फायर और ग ऑप्शन है तीनों सही। तो इसका राइट आंसर है ग, साइमल्टेनियस डबल फायर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपने EFI सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।